आज मैं आपको बनाने जा रही हूँ अष्टमी और नवमी में बनने वाले चने की रेसिपी। तो मैं आज सफ़ेद चने बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इनको अच्छे से धो के रात को ओवरनाइट सोक करके रख लिया था। ये देखिए, सुबह ही अच्छे से फूल गए हैं। तो सबसे पहले मैं इनको उबाल लूँगी। तो मैंने ये सारे चने प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो आपको 3 से 4 गिलास पानी, अभी मैंने 3 गिलास पानी इसमें लिया है, ये देखिए चनों में डाल के। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सेंधा नमक और डाल के, और मैं प्रेशर कुकर में इसको पका लूँगी। तो ये देखिए, जैसे ही एक सीटी आ गई तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे लो, और मैं इसे 30 से 40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे पकाऊँगी। सीटी मैंने एक ही दी है, उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम कर दिया लो, और इसे 40 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। और जब सीटी निकल जाए तब हम देखेंगे। ये देखिए, हमारे चने अच्छे से पक गए हैं। ये बिल्कुल भी फूटे नहीं है, बहुत ज़्यादा घुटे नहीं है, ये देखिए, और बिल्कुल पक गए हैं। तो इस तरह के हमें चने चाहिए। तो अब मैं इसके लिए एक मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैंने लिया 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैं ले रही हूँ गर्म मसाला, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं ले रही हूँ इसमें कुटी लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून मैं ले रही हूँ इसमें काली मिर्च, कुटी काली मिर्च, और 2 चम्मच मैंने लिया है छोले मसाला, और 1/4 चम्मच मैं ले रही हूँ आमचूर पाउडर। और अब इसे थोड़ा सा पानी डाल के हम इन मसालों का एक पेस्ट बना लेंगे। पहले मैंने थोड़ा पानी डाला है, ये देखिए, थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें जो भी लम्स हों वो अच्छे से निकल जाए। पहले मैं इनको अच्छे से इसको फेंट लूँगी, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, और मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक इसका पतला सा पेस्ट बना लूँगी, जो कि जब बाद में मैं छोले बनाऊँगी तो ये मसाले मैं उसमें डालूँगी। तो इसलिए मैंने पानी डाल के पहले इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरह का हमारा पेस्ट होना चाहिए। अब मैं छोलों के लिए ले रही हूँ 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च और 2 टुकड़े छोटे मैंने अदरक के लिए हैं, और इनका भी मैंने एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है। और सबसे पहले अब कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसे मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इसको निकाल लूँगी। और इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और जैसे तेल गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, और जीरे के साथ ही ये जो मसाले का मैंने पेस्ट बना के रखा था ये मैं इसमें डालूँगी। तो इसीलिए मैंने पानी डाल के पहले इसका पेस्ट बना लिया था, क्योंकि ये मसाले मुझे डायरेक्ट तेल में डालने थे और ये बिल्कुल जले ना, इसलिए मैंने पानी के साथ इसका एक पेस्ट बना लिया था। और ये देखिए, इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं भून के, और इसके बाद मैं इसमें ये जो टमाटर का मैंने पेस्ट बना के रखा था प्योरी, इसको भी मैं डाल दूँगी, और इसे मैं अच्छे से अब तेल में भून लूँगी। तो ये मसाला मुझे तब तक पकाना है जब तक कि जो ये टमाटर है इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए और ये मसाला अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे ढक दिया है, और अभी हाई फ्लेम पे ही मैं इसको पका रही हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के रखा, और ये देखिए, एक बार मैं इसको चला रही हूँ, थोड़ा सा ये रिड्यूस हो गया है, और आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा तेल इसने छोड़ा है। अभी ये पूरी तरीके से नहीं पका मसाला, आधा ये कुक हो गया है। तो एक बार मैं इसको अच्छे से चला के, अब मैं इसी स्टेज पे इस पर डालूँगी 2 चम्मच देसी घी, और इसे भी मैं मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे क्या है, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुनेगा और इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, अच्छे से मैं इसे मसाले के साथ भून रही हूँ चला के, और एक बार मैं मसाले को, और इसी स्टेज पे देखिए, मैंने जो कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट करके रखी थी इसे देखिए हाथों से मैं ऐसे मसल के, अच्छे तरीके से मैं ऐसे मसल लूँगी, और इसके बाद इसको मैं इस मसाले में डाल दूँगी। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा मसाले ने काफ़ी तेल छोड़ दिया है, ये अच्छे तरीके से भुन गया है बिल्कुल, और बिल्कुल सूख भी गया है, इसका पानी सारा निकल गया है। ये देखिए, एक बार मैं इसे अच्छे से चला के, और अभी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी, और इसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी,
एक से दो मिनट के लिए। और आपको दिख रहा होगा मसाले का जो हमारा कलर है वो भी बिल्कुल डार्क हो गया है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें छोले जो मैंने उबाल के रखे थे। अभी मैं इसमें पानी नहीं डाल रही बिल्कुल भी, पहले मैं छोले को मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लूँगी ताकि जो मसाला है वो छोलों के ऊपर अच्छे से लिपट जाए, और उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। तो ये देखिए पहले मसाले के साथ छोलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से छोलों के साथ कोट हो जाए, और जो ये चने हैं वो अच्छे से हमारे मसाले को में लिपट जाएं, इसे ऑब्जर्व कर लें। तो ये देखिए एक से दो मिनट के लिए मैंने अच्छे से मसाले के साथ चनों को भून लिया है, और इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। बस थोड़ा सा ही पानी मैंने इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी जो बचा था वही मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इस पानी के साथ मैं इन छोलों को अच्छे से पानी डाल के इनको पका लूँगी ताकि जो मसाला है वो हमारे छोलों के अंदर अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए मैंने ढक दिया है इसको, और 10 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। और उसके बाद देखिए 10 मिनट के बाद एक बार मैं इसको फिर से ढक्कन हटा के अच्छे से चला दूँगी ताकि ये बिल्कुल नीचे से चिपके ना, जले नहीं। तो मेरे को इस पानी को 80% तक बिल्कुल सुखा लेना है, बहुत ज़्यादा इसे बिल्कुल थिक भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा इसे गीला भी नहीं बनाना, ये लुटपुट से बनके थोड़े तैयार हों। और देखिए एक बार फिर से मैंने इसे ढक दिया, 5 मिनट के लिए मैं इसको और पका रही हूँ। ये देखिए अब हमारा मसाला पानी जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल सूख गया है, मतलब काफ़ी हद तक 80% ये रिड्यूस हो गया। ये देखिए अब इस स्टेज पे हम इसका ढक्कन हटा के इसको ऐसे ही भून लेंगे, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी बिल्कुल। ये देखिए ऐसे हमारे चने हो जाने चाहिए इतने, ये मसालों के साथ अच्छे से भुन गए हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश धनिया, उसके साथ भी मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे हमारे छोले बन के तैयार हुए हैं बिना प्याज और लहसुन के, और ये मसाला जो है छोलों के साथ अच्छे से बिल्कुल लिपट गया है, और ये बिल्कुल फूटे भी नहीं है, है ना, बिल्कुल घुटे घुटे भी नहीं बने, खिले खिले चने बने हैं लेकिन पूरे मसाले के साथ। तो जब इसे हम पूरियों के साथ खाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो ये देखिए अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ, कितने अच्छे हमारे वाइट चने बन के तैयार हैं। जिस तरह से मैंने ये वाइट चने बनाए इस तरह से आप काले चने भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। और आप अपनी कंजिकाओं को इसे सर्व करिए तो सब बहुत खुशी खुशी इसे खाएंगी। तो अगर आपको मेरी ये चने की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नई वीडियो आपको देखने को मिल सके।